सब्सक्राइब कीजिए एसे टेक हिंदी चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, एसे टेक हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप किसी भी MP3 में से उसके फोटो को आप रिमूव कर सकते हैं, उसके जगह पर आप अपना फोटो लगा सकते हैं और आप जो भी फोटो लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। साथ में जो है आप उसके टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं और वहाँ पर आप जो भी एडिट करना चाहते हैं आप उस सॉन्ग में आप एडिट कर सकते हैं। और ये एकदम से सिंपल है दोस्तों। ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको एंड्रॉयड मोबाइल में ही बताने जा रहा हूँ, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने प्ले स्टोर से जो है एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है स्टार म्यूजिक। आप जैसे ही स्टार म्यूजिक सर्च करेंगे आपको जो है ये वाला ऐप मिलेगा। आप यहाँ से इसका आइकन देख सकते हैं, ये इस तरह का आइकन है इसका। आप यहाँ पे देखेंगे तो वर्ल्ड मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है, 4.4 की रेटिंग है जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। तो आप जो है यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। हम इंस्टॉल किए हुए तो हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का होता है, आप यहाँ पे देखेंगे आपके फ़ोन में जितना भी MP3 है यहाँ पे आपका शो होने लगता है। और जिस भी MP3 का आपको टाइटल या फिर जो उसका आपको फोटो वगैरह चेंज करना है तो आप क्या करेंगे उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नो इमेज बता रहा है, इसका मतलब जो है इस MP3 के फाइल में इसमें इमेज नहीं है। अगर आप इसमें इमेज लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे पिकअप पिक्चर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आप अपने गैलरी में से आप गैलरी में चले जाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं हम अपने गैलरी में आ गए हैं और हम यहाँ से कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमको MP3 में लगाना है। तो हम इसको यहाँ से क्लिक कर लेंगे। तो हम चलिए अपने चैनल का ये लोगो है हम इसको ही लगा लेते हैं, ठीक है। और सिंपली इसको यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद अगर आपको सॉन्ग का टाइटल वगैरह चेंज करना है, जो भी टाइटल वगैरह चेंज करना है आप यहाँ से इसको टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एल्बम वगैरह का नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप यहाँ पे ईयर डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे जो है एक ईयर डाल देते हैं, कुछ अपना जो ईयर अभी चल रहा है, ठीक है, वो डाल सकते हैं। इसके बाद कुछ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी चेंज करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो हमने इमेज सेट किया था वो यहाँ पे सेट हो चुका है। इसके बाद जो है मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस MP3 के फाइल में जो है पहले से यहाँ पर एक फोटो लगा हुआ है। तो हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप यहाँ पर रिमूव आर्टवर्क का आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है, आपको क्या करना है सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको सेव कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो इमेज है वहाँ से हट गया है। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फिर से पिकअप पी के पिक्चर पर चले जाएंगे। इसके बाद अपने गैलरी से जो भी आपको फोटो को सिलेक्ट करना है आप अपने गैलरी से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं हम अपने गैलरी में आ गए हैं। हम चलिए यहाँ पे जो है व्हाट्सअप वाले लोगों को ही यूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ पे कोई भी फोटो को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको सॉन्ग का टाइटल चेंज करना है तो मैं टाइटल भी चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हम सॉन्ग का टाइटल जो अपने चैनल का नाम ही डाल दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है व्हाट्सअप का लोगो लगा दिया है। यहाँ पर आप अपना कोई भी फोटो लगा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने चैनल का नाम जो सेट किया था, ठीक है, टाइटल में वो आ गया है। इसके बाद आप पिक्चर देख सकते हैं जो हमने व्हाट्सअप का पिक्चर लगाया था वो भी आ गया है। तो चलिए मैं आपको जो ये सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये जो है प्ले होने के बाद जो वहाँ पर फोटो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्ले म्यूजिक का एक हमारे पास जो ऐप है, ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है पहले हम अपने यहाँ लाइब्रेरी में आ जाते हैं, म्यूजिक लाइब्रेरी में। इसके बाद आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे अपना चैनल का और यहाँ पे जो व्हाट्सअप का लोगो लगाया था वो सॉन्ग यहाँ पे है। तो हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसको प्ले कर देते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो है ये सॉन्ग प्ले हो गया और यहाँ पे जो पिक्चर जो हमने सेट किया वही यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए मैं दूसरा वाला भी आपको सॉन्ग प्ले करके यहाँ दिखा देता हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो ये भी जो सॉन्ग है वो प्ले हो चुका है और यहाँ पे जो मैंने टाइटल डाला हुआ था ये भी वहाँ पे शो कर रहा है। तो मैंने आवाज़ को म्यूट रखा है क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो आप इस तरह से किसी भी MP3 में से उसके फोटो और टाइटल और जिस चीज़ को भी आप चेंज करना है आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह डाल सकते हैं या आप अपना कुछ भी आप यहाँ पर डालना चाहते हैं आप डाल। इसके बाद जो है आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह को आप शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।